हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। विवादों के बेताज बादशाह उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। साक्षी महाराज के इस बयान का कनेक्शन इस बार हैदराबाद से हुआ है, जहां से ओवैसी सांसद हैं, जिन्हें साक्षी महाराज ने अयोध्या मामले में आए फैसले के बाद उनकी ओर से दिए गए बयान को लेकर उन्हें चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, ओवैसी गद्दारी की बात ना करे, अपनी उल्टी चाल को सीधा कर ले, क्योंकि सरकार का अगले लक्ष्य जनसंख्या नियंत्रण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है, 5 एकड़ जमीन की हम मस्जिद बना सकते। अगर आज वो उनके मन में कुछ गद्दारी आती है, अलगाववाद की बात करते हैं, उन्हें देश की एकता पसंद नहीं है। ओवैसी पर भड़के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, कहा गद्दारी की बातें ना करें ओवैसी, सरकार का अगला लक्ष्य जनसंख्या नियंत्रण। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, उस फैसले पर पक्षकारों में करीब करीब आम सहमति है। जनता ने इस फैसले को सही बताया, सियासत ने भी सम्मान दिया, लेकिन हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी असंतुष्ट दिखे। मेरी जाती राय है कि हमको 5 एकड़ के इस ऑफर को रिजेक्ट करना चाहिए। हमारी लड़ाई एक लीगल राइट की लड़ाई थी, और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। हम मुसलमान जो है, हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर वो बननी है, मगर इन तमाम कमजोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ जमीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमीन नहीं खरीद सकता। उत्तर प्रदेश में हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है, 5 एकड़ जमीन की हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगू लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में इतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन बना सकूंगा। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से भीख की जरूरत नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि हमको पैट्रोनाइज करने की जरूरत नहीं आपको। लेकिन अब ओवैसी को एतराज है, तो विवादों के बादशाह, अपने बयानों से हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी के जले पर नमक छिड़क दिया, ऐन वक्त पर चुटकी ले ली, कहा जनसंख्या नियंत्रण के लिए तैयार है। मुझे तो लगभग सारा देश एक रास्ते पर दिखाई दे रहा है। अब पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन पटीशन पर जाएगा। जो कल तक ये कहते रहे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आएगा वही हम मानेंगे। कुछ लोग हमारे साथ भी डिबेट में थे, वो भी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आएगा सो मानेंगे। अगर आज वो उनके मन में कुछ गद्दारी आती है, अलगाववाद की बात करते हैं, उन्हें देश की एकता पसंद नहीं है, हिंदू मुसलमान का भाईचारा पसंद नहीं है, तो इसको कानून देखेगा। कानून को किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। नहीं नहीं, मैं फिर कहूँगा, जनसंख्या एक बहुत बड़ा अभिशाप है, तो अगला टारगेट जनसंख्या होना चाहिए। हम दो, हमारे दो, सबके दो। ये मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सिख और ईसाई का नहीं है। इस राष्ट्र की सेहत के लिए जमीन तो छोटी होती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, आखिर लोग रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, जमीन तो उतनी है। इसलिए ये सारे राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है कि सभी वर्ग के लोग, सभी संप्रदाय के लोग इसे, अगर सरकार कोई कानून बनाती है, नहीं बनाती है, सरकार से अपील करें कि सरकार कानून बनाए। हम दो, हमारे दो, सबके दो। साक्षी महाराज ने अयोध्या मामले में आए फैसले के बाद ओवैसी की तरफ से दिए गए बयान को लेकर उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ओवैसी गद्दारी की बात न करें। जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब भी ओवैसी की चाल उल्टी थी। आज जब अयोध्या का निर्णय आया है, तब भी वहाँ का यही हाल है। साक्षी महाराज ने कहा, जब ओवैसी ने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे स्वीकार किया जाएगा, तो अब वो क्यों गद्दारी की बातें कर रहे हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।